हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज हम आलोचना करिबा राधामोहन गडनायकंकर कविता पिंगळार अभिसार। एहि कविताटी आलोचना करिबा पूर्वरु आमे जानि रखिबा जे कविंक संपर्क रे काहेकि ना कविताटी आलोचना करूछे, लेखा आलोचना करूछे, माने लेखकंक संपर्क रे धारणा हेबा निहाते आवश्यक। कवि होउछन्ति किए ना राधामोहन गडनायक। आधुनिक ओडिया साहित्यरे छंद कवि भावरे परिचित होउछन्ति राधामोहन गडनायक। तांकर जन्म होउछि अनुगुलर कलंडापाळ ग्रामरे 1911 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मास 25 तारिखरे से भूमिष्ठ होइथिले। से छात्र अवस्थारु ही कविता लेखा आरंभ करिथिले। तांकर रचना संभार कोन रहिछि ना काव्य नायिका, उत्कलिका, मौसुमी, पशुपक्षीर काव्य, स्मरणिका, कैशोरिका, सामुकार स्वप्न, धूसर भूमिका, सूर्य अंधकार, अबाचीर तारा, हीराखंडर गाथा, एगुड़िक हो तांको रचना संभार। से अनुवाद करिछंती मेघदूत, स्वराब और रुस्तम, ए तीनोटी से अनुवाद करिछंती। ता सहित से गद्य रचना मध्य करिछंती तुलसी स्तबक और राधानाथ ओडिया छांद। आधुनिक ओडिया साहित्यर से होती कौन छंद कवि। उभय गीत और गाथा कविता रचना करने क्षेत्र में जो सिद्धि रही हूँ से सिद्धिर से होती अद्वितीय अधिकारी। राधामोहन गडनायक जी कि सबुज कवि समसामयिक भाव में कविता लेखिबा से आरंभ करिथिले, से तांकर निजर जो लेखिबार स्वतंत्रता रही समस्त लेखिबार भंगी पुणी अलग अलग रही थाए। तांकर लेखिबार भंगी से जो रचना पाई से गीत हैला कि गाथा कविता हैला से एक सिद्धि अर्जन करिछंती। ओडिशार ऐतिह संस्कृति परंपरा जातीयता बोध देश प्रेम को नहीं कविंकर कविता मान जहाँ कि अति सुंदर भाव एक अति हृदयस्पर्शी भाव से रचना करिछंती। राधामोहन गडनायक केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई, अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार पाई, पद्मश्री उपाधि लाभ करिछंती। ए थिला कवि राधामोहन गडनायक संपर्क में किसी सूचना पिला माने। आमर जो आलोच्य कविताटी रही कौन ना पिंगळार अभिसार। आमर कवितार नामकरण दि जाइए कौन पिंगळार अभिसार। अभिसार कहिले कौन अभिसारर अर्थ हेउछि प्रेमिक प्रेमिकार मिलन स्थल बा मिलन उद्देश्य रे नायक और नायिकार संकेत स्थल को गमन ता हूँ कौन अभिसार। एठारे पिंगळार अभिसार कथा कह जाए। पिंगळा हेउछि जणे रूपजीवी बा बारंगना, तार अभिसार कथा कह जाए। कविताटी कौन से संपर्क में आलोचना करिबा वर्तमान पिला माने। भागवत ग्रंथटी समस्त जानिथिबे। भागवत ग्रंथर एकादश स्कंध नवम अध्याय रे जे कि पिंगळा बेश्या उपाख्यानटी स्थान पाई। पिंगळा हेउछि एक बेश्या बा बारंगना। से पिंगळा बेश्या कथा जो कहा जाए अवधूत निजर गुरुंक कथा। अवधूतंकर रहिछन्ते 24 गुरु। अवधूत तांकर 24 गुरुंक संपर्क रे जदु राजांको निकट रे तांकर सूचना गुडीक प्रदान करूथिले। मु आपण मानको कहि रखुछि अवधूतंकर 24 टी गुरु किए किए थिले। पृथ्वी पवन अनळ बाळक आकाश मंडल रवि शशांक आप सिंधु कुंजर सर्प पुष्प बंधु पतंग सर्प अजगर एणु कपत गुरु मोर मीन पिंगळा बेश्या नारी क्रूररी ब्राह्मण कुमारी हरिण ऊर्ण नाभि भरी सरकारंक मधुहारी ए आजि कीट पेशकृत 24 गुरु एहि मत। एहिपरि भावरे भागवतरे दर्शा जाइछि जे अवधूतंकर 24 टी गुरु रहिथिले बोली। ए अवधूतंकर 24 टी गुरु मध्यरु पिंगळा हेउछि अवधूतंकर एक गुरु। पिंगळा हेउछि किए ना विदेह नगरीर अभिसारिका जे कि पिंगळा अवधूत ताकु मध्य गुरु करिथिले। काहे कि गुरु करिथिले ना पिंगळा जे कि बेश्यारु किपरि भावरे सन्यासिनी होइ परिथिला
ता निज भीतर जो भगवत सत्ता रही समस्त भितर भगवत सत्ता रही किंतु पिंगला ता निजर भगवत सत्ता को निज भीतर भगवत सत्ता को कौन करा ना उपलब्धि करा जहाँफल निजर जो घुण्य स्वभाव रही निजर वृत्ति जो रही बेश्यावृत्ति से परिवर्तन करा आमर आलोच्य कविता पिंगलार अभिसार रे ता दर्शा जाइछे। अवधूत जदुराजा सम्मुखरे ए पिंगला बेश्यार कहानी टी परिप्रकाश करिछंती निजर जेते बेले 24टी गुरु संपर्क रे कहउछंती अवधूत से समय रे पिंगला मध्ये तांकर गुरु से संपर्क रे कहउछंती जे किपरि भावरे दृढ़ संकल्प मनीष को परिवर्तन करि पारे जो पिंगला बेश्यार चरित्र को शिक्षा कर गुरु अवधूत ताको कौन कर गुरु भाव ग्रहण करेक्षर ताको से जो परिवर्तन आसी पिंगला मध्य परिवर्तन आसी ताही हेउची आमर आलोच्य कविता पिंगलार अभिसार विषय वस्तु जे केउ क्षेत्र रे केउ परि भाबरे पिंगलार मनरे एई परिवर्तन आसीछि तार वृत्ति को से परित्याग करिछि ताही हेउची आम कविताटीर विषय वस्तु पिला माने विदेह नगरीर ए जो बारंगना बार बिलासिनी पिंगला जे कि कामुक पुरुष मानंकु आकर्षण करिथाय से जीवन जाक पुरुषंकर सज्जा संगिनी साजिछि एवं बहु अर्थ मध्य उपार्जन करिछि एभली वृत्ति मध्य रे गोटे थर कौन होता ना जड़े संभ्रांत पुरुष जी कि पिंगलार रूप से आकर्षित हो संध्या समय रात्रि जापन संकेत विश्वास कर निजर निजक से सुंदर भाव सजाई फूल सेज बिछाई पिंगला अपेक्षा कर रही से अपेक्षार किंतु अंत हेला ना से अपेक्षार शेष हेला ना प्रहर परे प्रहर जेतबेले अतिक्रम हो जाइछि से संभ्रांत युवक आसी नथिला पिंगला अपेक्षा करके तार सेतबेले भावांतर घटे रात्रिर जेतबेले तृतीय प्रहर होइछि रात्रिर प्रहर थाए प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर तृतीय प्रहर रात्रिर जेतबेले तृतीय प्रहर रे पिंगलार मन आउ तार हृदय रे एक नूतन चेतना जहाँकि जाग्रत होइछि सेतबेले ता हृदय रे कौन है कामनार ढेउ जिते गुड़िक आसुला से गुड़िक सबू भट्टा आसी जाए से कामनार ढेउ कौन है सब भट्टा आसी जाए से गुड़िक लीन हो जाते कौन है ना धन संपत्ति जौवन किपर भाव मनीष जीवन में एगुड़िक क्षण स्थायी ता पिंगला से समय अनुभव करते रसिक नागरटी न आसी मनरे से कौन है ना वैराग्य भाव जत हो सेतबेले परम सत्ता को भगवान को से अनुभव करि पारिछि परम सत्ता भगवान ही होउछंती नित्य आउ सत्य आउ सबुडीको होउछि कोन अनित्य से समय रे से जानि पारिछि एगुडीको होउछि कामना बासना एगुडीको होउछि क्षण स्थायी केवल स्थायी होउछि के ना ईश्वरंकर आराधना नित्य भगवान सबुगुडीको समय आसिले कोन हुए दूरै जाय मनीष पाखरु समय आसिले सब जिनिस दूरे जीव किंतु ता पाखरे कौन केवल नित्य भगवान ही रहिबे तार ए जो धारणा ध्यान धारणा द्वारा मनुष्य को कौन है ना भगवान करो ध्यान धारणा करिबा द्वारा मनीषर मनुष्य को मुक्ति मध्य मिली पारिब सेथिपाई पिंगला कौन करिछि बास सेज न सजाइबा को चिंता करिछि एवं एही सब कथा वर्तमान में आलोचना करिबा कविता टिरे पिला माने आपण माने संक्षेप रे बुझी पारिथिबे जे कविताटी रे कोन कुहा जाइछि बोली ठीक अछि कोन कुहा जाइछि ना नवा शिव आउ रसिक नागर नवा शिव आउ पुरे बार बधु मुही पिंगला आजि चली जाउ अछि दूरे फूल सेज आउ सेजाई भी नाही नीति राति सारा बसी केली दीप आउ जाली भी नाही मु शून्य स्वागे रसी नवा शिव आउ रसिक नागर कहिले कोन प्रेमिक पुरुष आउ प्रेमिक पुरुष आसीबो नाही जेतबेले तृतीय प्रहर हो जाइछि रात्रि रो प्रेमिक पुरुष आसीबो नाही बार बधु मुही पिंगला आजि बार बधु कहिले बार बिलासिनी रूपजीवी बारंगना बा बेश्या
ତାହା ମୁଁ ଆଜି ପିଙ୍ଗଳା ଯାହାକି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି କହିଲେ ଏଠାରେ ସବୁ ମାୟା ମୋହ କାମନା ବାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ବସି କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁହାଗେ ବସି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ? କେଳି ଦୀପ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, କେଳି କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ପରିହାସ। କେଳି ଦୀପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଳି ସଦନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ସ୍ତିମ୍ବିତ ମାତ୍ର ଦୀପାଳି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେଳି ଦୀପ। ଏଠାରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ନୀତି ଫୁଲ ସେଜକୁ ଆଉ ସଜାଇବି ନାହିଁ ରାତି ସାରା ବସିକି, କି ଆଉ କେଳି ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳିବି ନାହିଁ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷକୁ ଜଗିକି ତା'ର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ କି ସେ ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିର ତୀର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ, କେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା, ପିରତି କହିଲେ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ପାଖରେ, ସେ ଅଭିନୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଅବସାନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଶା କହିଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର। ନିଶାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଶାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଅସାର କହିଲେ କ'ଣ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ସମାନ ଯେଉଁ ସକାଳ ଭଜିଛି ଏଠାରେ ଲୟ, ଭଜିଛି କହିଲେ ଆରାଧନା କରିଛି, ଲୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଲୟ କହିଲେ ଅଭିନୟ ବା ଲୀନ ହେବା। ଏଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଆସିବ, ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଆସିନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତା'ର ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ, ଏଠାରେ ସେ ସେବା କରିଛି, ପୂଜା କରିଛି, ଆରାଧନା କରିଛି, କାହାକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଲୟ କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ଏଠାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଛି। ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରମରେ ମର୍ମରେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସେ ଲଭିଛି। ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ନା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନକୁ। ଦିବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନଜ୍ଞ। ସେ ବାହାରରେ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିପରି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଆରାଧନା କରୁଛି। ମହତ ପଥର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ସେ ପାଖେଇ ଆସିଛି। ମହତ ପଥର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ। ପିଙ୍ଗଳାର ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ପରମଧନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ବା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ଅନ୍ତର ବିମୋହନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତରକୁ ମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ପିଙ୍ଗଳାର ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତା'ର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ସେଥିରୁ ସେଠାରେ ନିବୃତ୍ତି ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ସତଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ, ଉରସେ କହିଲେ ଛାତିରେ, ଫୁଟିଅଛି ସତଦଳ, ସତଦଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଦ୍ମ। ରିକ୍ତ, ରିକ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟ, ସୁକ୍ତି କହିଲେ ଶାମୁକା। ମୋର ଜୀବନରେ ଏଠାରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ, ସେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପଙ୍କ ଯେପରି ଭାବରେ ପଦ୍ମରେ ଫୁଟିଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉରସେ, ପଙ୍କ ରୂପକ ମୋ ଛାତିରେ କ'ଣ ଫୁଟୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସତଦଳ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ସତଦଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ, ରିକ୍ତ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରେ ସୁକ୍ତ ସୁକ୍ତି କହିଲେ ଶାମୁକାର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଯେପରି ଫଳେ ସେହିପରି ଭାବରେ
तार ये खाली सामुका गर्भरे मुक्ता जन्म नहीं से समय अनुभव करे भगवान को आराधना करने द्वारा किपर भाव अंतरात्मा शांति पाई सुख लोभी थाए तेणु से पुणी कही जहाँ पाखरे मुक्ता रूपक अमूल्य भगवान को आशीर्वाद रही तहार आउ धन संपद कौन दरकार ताकू आउ मणिकांचन कौन दरकार से कथा मध्य कहुई लोड़ा नाही मोर धन संपद मणिकांचन माला लोड़ा नाही मोर विलास कुंज ए चारुचित्रशा मणिकांचन मणि होउछि कौन मूल्यवान प्रस्तर बा रत्न कांचन कहिले स्वर्ण ताकू धन संपद लोड़ा नाही ताकू मणिकांचन लोड़ा नाही ताकू आउ विलास कुंज मध्य दरकार नाही विलास कहिले कौन विलास कहिले सौखीन जीवन जापन कुंजर अर्थ होउछि हाथी दांत बा कुंजर अर्थ होउछि लता गृह एठारे विलास कुंज कहिले सौखीन जीवन जापन ताकू आउ दरकार नाही बोली लोड़ा नाही बोली कहा जाइछि चारु चित्रशाळार अर्थ होउछि कौन सुंदर चित्रपुरी जेतबेले से भगवान को आशीर्वाद को से मुक्ता रूपक अमूल्य सहित तुलना करिछि से समय रे पिंगळा कहिछि जे मोर आउ लोड़ा नाही धन संपद लोड़ा नाही कि मणिकांचन लोड़ा नाही कि चारुचित्रशाला लोड़ा नाही कि विलास कुंज लोड़ा नाही एगुड़िक मोर आउ आवश्यकता नाही बा लोड़ा नाही से जो सत्य शिव सुंदर तांकर सत्ता को से पाखरे पाइछि बा अनुभव करिछि तेणु से जो महाधन ठारु अधिक धन आउ कौन बा होई पारे ये जो धन संपत्ति आम जो कहुई धन संपद मणिकांचन एगुड़िक हूँ कौन क्षणस्थायी दिन ना दिन समय आसिले गुड़िक चली सरीज किंतु जेतबले ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिपार मनीष से समय रे सबु धन ठारु ये होची कौन महाधन पिला माने ए महाधन ठारु आउ अधिक धन कौन बा होई पारे सेथिपाई पुणि थरे पिंगळा कहिछि जे न आसिबो आउ रसिक नागर न आसिबो मोर पुरे बार बधु मुही पिंगळा आजि चली जाउ अछि दूरे रसिक नागर मानंकु बारण करिछि तारौ पुरकु न आसिबा पई कोन कहिछि न आसिबो मोर पुरे मोर पुरकु आउ आसिबो नाही बोली बारण करिछि कारण कोन ना से चली जाउछि बहु दूरकु जेउठारे पिंगळार एक भिन्न परिचय सृष्टि हेबो क्यों परिचय ना से बारंगनारू से बारबधुरु बेस्यारू से कौन है जीवो तपस्विनी है जीवो से भगवत सत्तांकु से स्मरण करिबो ध्यान करिकी तार समय को से अतिवाहित करिदेबो बोली कही जाइछि एवं प्रेमिक पुरुष को बा रसिक नागर को आउ न आसिबा पई रसिक नागर मानंकु तार पुरो को न आसिबा पई मध्य बारण करि दैछि ठीक अच्छे परवर्ती समय पे आम यही आलोचना करवा बर्तमान आलोचनाटी को एट शेष करवा बर्तमान पर्यंत जो मैंने भिडियोटी लाइक करना समस्ते लाइक कर दिंतु निज सांगसाथी को सेयार करूँ जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल टी पाने सब्सक्राइब कर दिंतु थैंक यू।